हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विकास कार्यों का विधायक ने किया लोकार्पण। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के तखतघर में मंगलवार को शाम को सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने कहा कि तखतघर सहित विधानसभा क्षेत्र की जनता को मीठे पानी के लिए परेशान होना पड़ता था। हमारी सरकार ने जनता को मीठे पानी पिलाने का प्रयास किया है, जो आज साकार होकर विभिन्न गांवों में पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है। इस दौरान राठौड़ ने 18 विकास कार्यों के निर्माण का शिलान्यास किया और 3 कार्यों का लोकार्पण किया। राजस्थान फार्मासिस्ट की तरफ से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सुबह दवा काउंटरों पर 2 घंटे के लिए हड़ताल की गई। फार्मासिस्ट काफी समय से सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जताते आ रहे थे। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठन मोर्चा जयपुर के आह्वान पर 17 सितंबर से बुधवार को 17 दिन से चक्का जाम हड़ताल जारी है, जब तक 27 जुलाई को यूनुस खान परिवहन मंत्री के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करते, जब तक चक्का जाम हड़ताल जारी रहेगा। मूल संघ के समर्थन में निकाली आक्रोश रैली, कुलपति को ज्ञापन। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इस वर्ष हुए छात्र संघ चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे मूल सिंह सेत्रावा बुधवार को आक्रोश रैली निकाली गई। देखो जागरूक, बनो जागरूक।